रजौरी पुंछ को जब से अनंतनाग के साथ जोड़ने की बात की जा रही है, तब से ही रजौरी पुंछ के लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज नज़र आ रहे हैं और कई लोग ऐसे हैं जो इस पर आपत्ति जताते हुए नज़र आ रहे हैं। इस समय भी मेरे साथ कुछ लोग जो कि रजौरी पुंछ से हैं वो मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनका क्या कुछ कहना है और आखिरकार जो अनंतनाग की बात की जा रही है अब डीलिमिटेशन कमीशन की सेकेंड रिपोर्ट के मुताबिक, आखिरकार उस पर इन सबका क्या कुछ कहना है। जी, क्या नाम है आपका? जावेद ऋषि। जावेद जी, क्या हो रहा है रजौरी पुंछ के साथ? रजौरी पुंछ के साथ आज़ादी से लेकर आज तक जुल्म होता था और उसमें और इजाफा होना शुरू हो गया है। अब क्या कहेंगे, जिस तरीके से डिलिमिटेशन की सेकंड रिपोर्ट आई है, क्या रजौरी पुंछ के लोग इसे मंजूर कर रहे हैं या फिर नकार रहे हैं और क्या वजह लग रही है आप? रजौरी पुंछ का बच्चा बच्चा इस रिपोर्ट को नामंजूर करता है, इसको रिजेक्ट करता है और इसको किसी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी के बेनिफिट के लिए तैयार की हुई रिपोर्ट बताता है। तो अभी क्या पक्ष है आपका? अभी आप पीडीपी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो आगे क्या पक्ष रहेगा आपका इन चीज़ों को लेके? देखिए, जो ये सेकंड ड्राफ्ट रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की है डिलिमिटेशन कमीशन ने, उसकी मजम्मत करते हुए हम ये मांग करते हैं कि इस रिपोर्ट को जल्द अज जल्द अमेंड किया जाए, क्योंकि रजौरी पुंछ जो ट्विन डिस्ट्रिक्ट के नाम से मशहूर है और खिताए पीर पंजाल इसे कहा जाता है, तो पीर पंजाल के लोगों की काफ़ी देर से एक डिमांड रही है, एक तो ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल दिया जाए लद्दाख के तर्ज पे, और साथ ही साथ रजौरी पुंछ के लोगों की मांग रही है हमेशा से कि यहाँ पर अलग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी दी जाए, क्योंकि हमेशा हमने देखा है, रजौरी पुंछ के लोगों ने देखा है कि हमारे जितने भी मेंबर पार्लियामेंट हजरात आए हैं, चुने गए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, वो यहाँ की रीजनल पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो, वो हमेशा रजौरी और पुंछ के लोगों को इलेक्शन से एक महीना पहले या कभी उनकी जो पार्टियां होती हैं उनकी पार्टी के वर्कर्स के साथ बाद के 5 सालों में कहीं एक दो बार मीटिंगें करते हों। रिसेंटली आपको मैं बताऊं कि हमारा जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो मेंबर पार्लियामेंट इलेक्ट किया गया है, मुझे नहीं लगता है कि एक या दो बार से ज़्यादा उसने खिताए पीर पंजाली ने रजौरी पुंछ का विज़िट किया हो और वहाँ के लोगों की परेशानियाँ समस्याएँ सुनी हों। अनंतनाग के साथ नहीं रहना चाहते? तो अब जब पहले 250 किलोमीटर की दूरी पर हमारा पुंछ था तो 250 किलोमीटर से हमारी आवाज़ को नहीं सुना जाता था, हमारी आवाज़ सुनने मेंबर पार्लियामेंट नहीं आता था, तो अब 500 किलोमीटर से अनंतनाग से अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट इलेक्ट होता है तो वो हमारी रोदाद कहाँ सुनेगा, वो हमारे दुख दर्द कहाँ सुनेगा। हम इसको बिल्कुल अपोज करते हैं और अनंतनाग के साथ लिया गया जो फैसला है इसकी हम मजम्मत करते हैं। हम फिर से कहते हैं कि रजौरी पुंछ को अलग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का दर्जा दिया जाए, अगर वहाँ की पॉपुलेशन कम है, क्योंकि हिली एरिया है, फार फ्लंग एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, तो इनके एडजाइनिंग रियासी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो रियासी डिस्ट्रिक्ट को रजौरी पुंछ के साथ मिला करके एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाए और वहाँ का अपना लीडर होगा, वो वहाँ के लोगों के दुख दर्द समझने वाला लीडर होगा, जब वो पार्लियामेंट में जाएगा तो वहाँ के लोगों की नुमाइंदगी वो अच्छे से कर सकता है। अनंतनाग के साथ जुड़ने से क्या एक यहाँ पर यह भी बड़ा पॉइंट निकल कर आता है कि हमेशा से ही रजौरी पुंछ के लोगों को ये भी कहा जाता है कि ये हमेशा जम्मू की ही बात करते हैं और कश्मीर के लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी रहते हैं रजौरी पुंछ के लोगों से कि कश्मीर की बात नहीं करते, हमारा साथ नहीं देते। तो अनंतनाग का अगर आपका नुमाइंदा होगा तो क्या लगता है उसके बाद वहाँ से भी कोई भेदभाव हो सकता है आने वाले टाइम पर कि अनंतनाग का अगर कोई लीडर होगा तो वो आपकी बात बिल्कुल ही ना सुने? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि रजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्टों ने हमेशा सियासी मार खाई है। कश्मीर की लीडरशिप ने हमेशा रजौरी और पुंछ के लोगों को जम्मू के साथ जोड़ा और जम्मू की लीडरशिप ने हमेशा इनको कहा कि ये एंटी जम्मू हैं, ये प्रो कश्मीरी हैं, तो जम्मू के लोगों ने प्रो कश्मीर कह के और कश्मीर के लोग लीडरों ने प्रो जम्मू कह करके रजौरी पुंछ के साथ हमेशा ज़्यादती की है, नाइंसाफ़ी की है। तो मुझे लगता है अगर मेंबर पार्लियामेंट हमारा अनंतनाग से होगा तो जाहिर सी बात है वो सबसे पहले अनंतनाग को प्रेफरेंस देगा। रजौरी पुंछ की बात अगर कहीं उसने की भी तो वही इलेक्शन की कैंपेन के वक्त आएगा या अपने वर्कर्स के साथ मीटिंग करने के लिए असेंबली इलेक्शन के वक्त आएगा, तो आवाम के दुख दर्द सुनने के लिए मेंबर पार्लियामेंट अनंतनाग का नहीं आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख सकते हैं आप,
कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद थे जो कि पीडीपी पार्टी से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन इस समय रजौरी पुंछ से जो आवाज़ें उठ रही हैं वो ये उठ रही हैं कि रजौरी पुंछ को अनंतनाग के साथ ना जोड़ा जाए। जैसे कि इन्होंने कहा कि रियासी के साथ अगर आप जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर अनंतनाग के साथ जोड़ेंगे तो आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। देखते रहिए चैनल 1, कैमरा के उस ओर मेरा साथ दे रहे हैं अश्वनी कुमार।